आज हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डाउट है, और काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, कमेंट आते हैं कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि ओम्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए कि हाई वोल्टेज जब है, जब आप हाई वोल्टेज लगाते हो तो वी और आई जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसके हिसाब से हाई करंट उस सर्किट में फ्लो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो हमने पढ़ा था कि भाई जो लो वोल्टेज साइड होती है वहाँ हाई करंट फ्लो करता है, और जो हाई वोल्टेज साइड होती है वहाँ लो करंट फ्लो करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल और ओम्स लॉ ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ओम्स लॉ फेल हो गया या ट्रांसफॉर्मेशन रूल गलत है, कैसे काम कर रहा है, इसको हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसमें मैं पूरी आपको डेप्थ में जाके बताऊंगा, और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और कैसे ये दोनों रूल हैं, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हम कहते हैं वर्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके टर्म्स में कहा जाता है, तो याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं तुम लंबे हो तो तुम किसके रेस्पेक्ट में लंबे हो, या मैं कह रहा हूं अगर तुम अच्छे हो तो किसके रेस्पेक्ट में अच्छे हो, तो रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उतना इंपॉर्टेंट है कि वो किसके रेफरेंस में वो बात कही गई है। तो जो स्टेटमेंट होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपको पता होना चाहिए कि वो किसके रेस्पेक्ट में कहा गया है, क्या वो लोड के रेस्पेक्ट में कहा गया है, क्या वो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में कहा गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी साइड है और एक प्राइमरी साइड है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब जो सेकेंडरी साइड है यहां का वोल्टेज E2 बड़ा होगा इस E1 से, यानी कि E2 ग्रेटर देन होगा E1 से, केवल इतना सा मतलब है। तो ये बात समझ में आ गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है, कि जो E2 है वो E1 से बड़ा होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहां पे E2 है और यहां E1 है, तो स्टेप डाउन का मतलब जो E2 है यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वो छोटा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी साइड के वोल्टेज से, समझ में आ गया। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये जो टर्म यूज करी जाती है बेसिकली यूज करी जाती है प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो हाई वोल्टेज है उस पर वोल्टेज कितना होगा, तो उसका वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या मतलब हुआ, बात समझो। अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड है, तो वो हाई वोल्टेज साइड किसके रेस्पेक्ट में, वो रेस्पेक्ट में है प्राइमरी साइड के, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज साइड की बात कर रहे हैं हम लोग किसी ट्रांसफार्मर में, तो उसी ट्रांसफार्मर के दूसरी कॉइल जो है उसके रेस्पेक्ट में ये बात करी जाए। फॉर एग्जांपल अगर C2 कॉइल जो है हाई वोल्टेज पे है, तो हम कह रहे हैं ये हाई वोल्टेज किसके रेस्पेक्ट में है, तो भाई C1 कॉइल के रेस्पेक्ट में ये हाई वोल्टेज है, और हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानेंगे, ठीक। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी जो सेकेंडरी साइड है वो क्या है, लो वोल्टेज पे है, तो हम कहेंगे लो वोल्टेज किसके रेस्पेक्ट में, तो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, लो वोल्टेज पे, तो प्राइमरी किस पे हुई, हाई वोल्टेज पे हुई, तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम बात करी जाए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझाता हूँ, एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास, ये ट्रांसफार्मर है ए और एक ट्रांसफार्मर है बी, बहुत ध्यान से देखना, ये बी है और आपको ये लिखा हुआ है कि इसकी जो सेकेंडरी साइड है वो 100 वोल्ट पे है और इसकी जो सेकेंडरी साइड है वो 500 वोल्ट पे है, तो क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। अगर एक तरीका तो ये इसको बताने का कि आप यहाँ के टर्न्स देख लो, इधर 3 टर्न्स हैं, इधर 2 टर्न्स हैं, या इस तरीके से देख लो, लेकिन अगर मान लेते हैं तुम्हें टर्न्स दिए ही नहीं है, तब तुम क्या बता सकते हो, केवल ये देख के कि सेकेंडरी हाई वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड है उस पर एक तरफ 200 वोल्ट है और एक तरफ 500 वोल्ट है, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो नहीं, ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये इनमें से कौन, इन दोनों में से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में जो एक फ्रेम बना रहता है कि जो हाई वोल्टेज है, अगर सेकेंडरी पे हाई वोल्टेज मिल रहा है, अगर सेकेंडरी साइड पे हाई वोल्टेज मिल रहा है, तो ऑब्वियस चीज है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, नहीं, ये बहुत गलत आंसर है। फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें ए में आपको कितना मिल रहा है, लो वोल्टेज मिल रहा है, देखा जाए तो 100 वोल्ट ही है, इधर 500 मिल रहा है, तो 500 100 से ज्यादा हुआ, तो इसके हिसाब से ये हाई वोल्टेज होनी चाहिए साइड, ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, अगर ऐसे देख के बताओगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये स्टेप डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्राइमरी लिख देता हूं, प्राइमरी पे अगर मैं प्राइमरी को जरा देख लूं, और प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी में मान लेते हैं यहां पे 1000 वोल्ट है और यहां पे 10 वोल्ट है, अब जरा बताओ कौन सा होगा, तो अब आप कहोगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया,
बात समझ में आ रही। तो अगर दो ट्रांसफार्मर हैं तो एक साइड पे अगर वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, एक की सेकेंडरी पे ज्यादा कम वोल्टेज है, एक की सेकेंडरी पे ज्यादा वोल्टेज है, तो इसको देख के तुम ये नहीं बता सकते कि वो हाई वोल्टेज होगा कि लो वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि रिफरेंस मिस है, रिफरेंस नहीं है। और ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है वो किसके बेसिस पे कहा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्या? प्राइमरी साइड। हमेशा प्राइमरी साइड के हिसाब से ही हम लोग कहते हैं। यानी अगर आपको कभी कहा जा रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो किसके स्टेप अप कर रहा है? तो प्राइमरी के मुकाबले स्टेप अप है। अगर कहा जा रहा है स्टेप डाउन है तो प्राइमरी के मुकाबले उसका वोल्टेज जो है वो डाउन है। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए कभी हमेशा याद रखना, अगर आपसे कहा जाए एक हाई वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज हो वो स्टेप डाउन कोई और ट्रांसफार्मर है जो डाउन है उसके सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये बात बड़ा ध्यान से समझ लो कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप है, बहुत ध्यान से समझना ये बातें, बहुत बारीकी हैं, ये बहुत बड़ा डाउट होता है सबके मन में। उनको लगता है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जो सेकेंडरी साइड है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे होगी, और अगर एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो उसकी सेकेंडरी जो होगी वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के मुकाबले लोअर वोल्टेज पे होगी। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको बता देता हूँ क्या डाउट रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक स्टेप ए एक स्टेप अप है और बी जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो जो बी की जो सेकेंडरी साइड होगी वो क्या होगी? लोअर वोल्टेज पे होगी, लो वोल्टेज पे होगी, ठीक है, और ए की जो सेकेंडरी होगी वो क्या होगी? हाई वोल्टेज पे होगी। बात सही है आपकी, हाई वोल्टेज पे होगी, पर किसके मुकाबले? इसकी प्राइमरी के मुकाबले हाई वोल्टेज पे होगी। ये जो लो वोल्टेज वो किसके मुकाबले? प्राइमरी के वोल्ट मुकाबले वो लो वोल्टेज पे होगी। लेकिन अगर हम ए और बी को कंपेयर कर देंगे तो आप ये देख के नहीं बता सकते कि सेकेंडरी जो है वो हाई वोल्टेज पे होगी लो वोल्टेज पे होगी। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ गई? ये एग्जांपल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। तो आप केवल सेकेंडरी को कंपेयर करके दो अलग अलग ट्रांसफार्मर को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि आप दो ट्रांसफार्मर को कंपेयर करके नहीं कह सकते कि ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और बी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी प्राइमरी साइड को देखना पड़ेगा। सही है? इतना ये बात, आपको ये मैसेज समझ में आ जाना चाहिए। नाउ अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ वापस से, कि भाई ओम्स लॉ के हिसाब से जरा देखते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने प्राइमरी साइड है, ठीक है, और ये हमारी सेकेंडरी साइड है, ठीक। ये हम ले रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। मैं आपको प्रॉब्लम पूरी ढंग से समझाता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, ठीक। अब देखो इसके अंदर जो प्राइमरी साइड है यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर करंट, ठीक, और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो, सॉरी करंट अभी रहने देते हैं, वेट, करंट अभी हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, 100 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करा है, सप्लाई दे रहे थे 100 वोल्ट की। जब तुमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करे 1:2 का, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे क्या होगा? डबल वोल्टेज मिलेगा, तो यानी कि 200 वोल्ट हो गया, 200 वोल्ट, ठीक। अब ये जो 200 वोल्ट है इस, अब ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि भाई अगर हाई वोल्टेज दोगे तो एक हाई करंट भी फ्लो करेगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा कि हाई वोल्टेज साइड जो होती है वो क्या होती है? लो करंट साइड होती है। जहां पे हाई वोल्टेज होगा वहां करंट कम होगा, जो हाई करंट साइड होगी वो लो वोल्टेज साइड होगी। ये दोनों चीजें हमने ट्रांसफार्मर पढ़ी। तो भाई सही कौन सी है? तो मेरा आंसर है ये दोनों की दोनों बातें एकदम सही है। मेन बात है रिफरेंस की, वही जैसा भी मैंने आपको पुराना एग्जांपल दिया। तो रिफरेंस देखो, तो हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होगा, किसके कंपैरिजन में करंट कम होगा भाई? प्राइमरी के रेस्पेक्ट में करंट कम होगा। समझ में आ रही? यानी कि अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की, जो लो वोल्टेज साइड है उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा? तो हाई करंट साइड के रेस्पेक्ट, सॉरी हाई वोल्टेज साइड के रेस्पेक्ट में करंट ज्यादा होगा। इसी बात को यहां समझेंगे। तो देखो अब ये तुमने 100 ओम लगाया, ठीक। अब जब 100 ओम लगाओगे तो आई जो करंट फ्लो करेगा भाई, इस ओम इस रजिस्टर को तो नहीं पता ना कि पीछे तुम्हारा पूरा ट्रांसफार्मर है या पूरा तुमने नेटवर्क बनाया हुआ है। वो तो केवल ये देखेगा ना उसे यहां 200 वोल्ट मिल रहा है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो वी कितना है? 200 डिवाइड बाई आर कितना है? 100, यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां पे? अब एक और केस ले रहा हूं सेम, अभी देखते रहना, देखो जादू सा होगा एकदम से, ठीक है। एक और ट्रांसफार्मर है, अब की उल्टा ले लिया मैंने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है, ठीक है, स्टेप डाउन। तो देखो स्टेप डाउन अगर ट्रांसफार्मर लिया, सेम मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और अब की क्या लिया है हमने, सेम सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि आपने 100 वोल्ट की सप्लाई दी। अब क्योंकि स्टेप डाउन है तो यहाँ कितना पहुंचा? 50 वोल्ट पहुंचा। 50 वोल्ट जब इसके अक्रॉस ड्रॉप कराओगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी बाई आर, 50 डिवाइड बाई आर, यानी कितना है? 100, यानी कि 0.5,
क्लियर हो रहा है? तो अब देखो यहां पे कंफ्यूजन क्या आया भाई, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेम सप्लाई पे जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया तो ये वाली साइड जो स्टेप डाउन में क्या होता है, ये सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज साइड होती है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज साइड होती है। तो हमने देखा कि जो लो वोल्टेज साइड है इस पे क्या होना चाहिए, करंट बहुत ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन करंट कितना निकल गया है, 0.5 एम्पीयर करंट निकल के आया केवल, 0. यानी कि लो वोल्टेज साइड पे करंट कितना निकला, I2 इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। और ये वाली साइड क्या थी, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था इसमें ये होती हाई वोल्टेज साइड। तो हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है कि हाई वोल्टेज करंट कम, तो जरा देखो हाई वोल्टेज साइड पे करंट कितना निकल के आया, I2 निकल आया 2 एम्पेयर। तो देखो कितना अजीब बात है, यही जो मैं तुम्हें स्पेसिफाई करना चाहता हूं, यानी कि अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो और उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, सेम सप्लाई दे रहे हो, सेम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज सप्लाई सेम है, सेम वोल्टेज सप्लाई, तो ऐसे केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कितना निकल के आया, 2 एम्पेयर, ठीक है, सेकेंडरी साइड पे, ठीक, I2 सेकेंडरी साइड पे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट कितना निकल के आया, I2 इक्वल टू 0.5 एम्पेयर ही करंट निकल के आया। तो देखो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, हमने हर बार क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो करंट की वैल्यू इसमें ज्यादा होनी चाहिए थी, ये स्टेप अप है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू डाउन होनी चाहिए थी क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड होगी और ये लो वोल्टेज साइड होगी। तो देखो तुम्हें यही मतलब समझना है, ये जो हाई वोल्टेज साइड हो रही है जिसमें करंट ज्यादा करंट कम होना चाहिए और लो वोल्टेज साइड में करंट ज्यादा होना चाहिए, ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये काम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, समझ में आया? तो ये आपस में आपको इनको कंपेयर नहीं करना है स्टेप अप और स्टेप डाउन को, आपको कंपेयर करना है इसे प्राइमरी से, यानी कि स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में I2 की वैल्यू कम होती है किससे, किससे कम होती है, I1 से। इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में I2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, I1 से ज्यादा होगी, ना कि I2 ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अब देखो यहां पे आप गए वापस से देखते हैं, अब देखते हैं प्राइमरी के रेस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं। तो देखो I2 और 2 एम्पेयर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I2 4 एम्पेयर, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे रेशियो लगाओगे 4 एम्पेयर आएगा। अगर यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए करंट 0.25 एम्पेयर। तो अब समझ में आया, अब जरा दोबारा रिफ्रेम कर लो, यानी कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर था I2 कितनी थी, ठीक, I1 कितनी निकल के आई, I1 निकल के आई आपकी 4 एम्पेयर, ठीक, यहाँ पे I1 कितनी निकल गई, I1 निकल गई तुम्हारी 0.25 एम्पेयर। देखो अब क्या तुम्हारी बातें लागू हो रही हैं ट्रांसफार्मर वाली, ओम्स लॉ तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, ओम्स लॉ तो लग रहा है, अगर ओम्स लॉ लग रहा है तो क्या ट्रांसफार्मर जो हमने सीखा था वो लग रहा है, तो जरा चेक करो। तो हमने क्या सीखा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की करंट ज्यादा होनी चाहिए प्राइमरी से, तो देखो सेकेंडरी करंट कितनी है 0.5 एम्पेयर, प्राइमरी करंट कितनी 0.25, तो हाँ भाई सही है, ये वाली इक्वेशन सही है, हाँ सही है, यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो काम कर रहा है, ठीक। दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने क्या पढ़ा था कि जो सेकेंडरी साइड होती है वहां वोल्टेज ज्यादा होता है करंट कम होता है, तो भाई I2 आपकी कम होनी चाहिए I1 से, तो देखो I2 कितनी है, I2 है तुम्हारी 2 एम्पेयर और I1 है 4 एम्पेयर, ये वाली इक्वेशन सही बैठ रही है, हाँ भाई सही बैठ रही है, यानी कि चीजें सही है। तो देखो दिक्कत कहां होती है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ओम्स लॉ लग रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लग रहा है नहीं लग रहा है, तो याद रखना भाई ओम्स ने कहा कि ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये बात उनने कही। ट्रांसफार्मर रेशियो ये कहता है कि जो हाई वोल्टेज साइड होगी यानी कि ज्यादा वोल्टेज की साइड जो है उस पर जितना भी करंट फ्लो करेगा उससे ज्यादा करंट लो वोल्टेज साइड पे फ्लो करेगा, केवल ये स्टेटमेंट है। इसीलिए जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसकी बारीकियां समझिए, तभी आप अच्छे से इंजीनियरिंग कर पाओगे और इसीलिए क्वेश्चंस गलत होने से बचा पाओगे, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर बात की जाए इसे कंक्लूड करा जाए तो ओम्स लॉ जो कहता है, ओम्स लॉ की बात, ओम्स लॉ ने जो कहा उसको देख लेते हैं। ओम्स लॉ ने कहा कि भाई हाई वोल्टेज साइड जो होगी, हाई वोल्टेज साइड उस पे हाई करंट फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्म ये हो गया ओम्स लॉ, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के हिसाब से जितना भी करंट, यानी कि जितना भी करंट जो होगा आई हाई वोल्टेज साइड पे फ्लो करेगा उससे ज्यादा करंट, अगर ये हाई ओ टू है तो जो आई वन होगा वो ग्रेटर होगा आई टू से, बस इतनी सी बात कहता है ओम्स लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो यानी कि हाई वोल्टेज साइड पे हाई करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन लो वोल्टेज साइड पे हाई वोल्टेज में जितना भी करंट फ्लो करेगा उसके के टाइम्स करंट फ्लो कर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये दोनों लॉ सेम है। आपको जो खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि दोनों के दोनों केसेस में कभी भी आप दो ट्रांसफार्मर को कंपेयर नहीं करेंगे, यानी कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी करंट या सेकेंडरी वोल्टेज को कंपेयर नहीं करोगे। ये जो भी बात कही जाती है इसमें जो रेफरेंस लिया जाता है वो प्राइमरी साइड ली जाती, ना कि
अदर देन अदर ट्रांसफार्मर, समझ में आ रहा है? तो दो ट्रांसफार्मर को जो भी हम उसकी हाई वोल्टेज साइड या किसी ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड की जब भी बात करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी करते हैं, ना कि विद रेस्पेक्ट टू अदर ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया? तो आई होप ये चीज समझ में आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है इस लेक्चर का, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप ये भी मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा जान के कि मेरा ये वीडियो आपके काम आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।